अशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की सरबरा परवीन रहमान कत्ल केस के मुलजिमान की सजाओं को कलअदम करार दे दिया। उम्र कैद के खिलाफ मुलजिमान की अपीलें मंजूर, अदालत का फौरी रिहाई का हुक्म। परवीन रहमान को 2013 में कत्ल किया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिसंबर 2021 में मुलजिमान को दो दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची में बलदियाती इलेक्शन से मुतालिक महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। 15 नवंबर को फैसला महफूज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में बलदियाती इंतखाबात दो माह में कराने का हुक्म दिया था। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस में फैसल वाबदा और मुराद सईद FIA इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स में तलब। PTI रहनुमाओं को शवाहिद के साथ दिन 2 बजे पेशी की हिदायत। गुज़िश्ता दिनों रहनुमाओं ने दावा किया था कि वो अरशद शरीफ को लाहक खतरात से आगाह थे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर कत्ल के इल्जाम लगाने वाला तस्नीम हैदर खुद मुलजिम निकला। तस्नीम 2004 में सानहा मदीना सैदा में 16 अफराद के कत्ल और 8 के जख्मी होने के मुकदमे के जमन में नामजद था। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब ने कहा कि तस्नीम हैदर नामी शख्स मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जमान नहीं, तस्वीर में नजर आने वाला शख्स PTI लंदन का ऑर्गेनाइजर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को धमकियां देने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लीगी रहनुमा अता तारड़ और दीगर की उबूरी जमानत में 7 रोज तक तौसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा कि वो 10 रोज कबल शामिल तफ्तीश हो चुके। ये सारी प्लानिंग वजीर आला पंजाब ने करवाई। तस्नीम हैदर को तर्जुमानी का नोटिफिकेशन किसने दिया? घड़ी चोर का हिसाब देना होगा। सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर के लिए तहरीक इंसाफ ने लाहौर में आज अहम इजलास बुला लिया। इमरान खान सदारत करेंगे। फवाद चौधरी की तस्दीक, कहा लॉन्ग मार्च के रावलपिंडी मरहले और दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। शेख रशीद का 26 नवंबर को रावलपिंडी में इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल करने का ऐलान। बोले वजीर खारजा अपने मुल्क के सदर को धमकियां दे रहे हैं, इमरान खान को किसी की तैनाती पर एतराज नहीं। वजीर इत्तला'आत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। कहा इमरान खान आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। तोहफे में मिली नायाब घड़ी को कोड़ियों के भाव बेच दिया गया। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी। पार्टी सदर को कोरोना हो गया जिसके बायस इंतखाब नहीं हो सके। लीगी वकील का मौका। चोर को पड़ गए मोर। मुल्तान में पकड़े गए चोर को निश्तर अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने खातून करार दे दिया। पुलिस ने 2 हफ्ते कबल खालिद मसीह को पकड़ा था जिसने जालसाजी से मर्द का शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ था। कराची के इलाके लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार और राहगीर जख्मी। मुल्क में सैलाब को 3 माह गुजर गए लेकिन मुतासरीन के दर्द कम ना हो सके। सिंध के इलाके घड़ी खैरू के मुख्तलिफ गाँव में सैलाबी पानी ताहाल जमा। हजारों अफराद राशन और गर्म कपड़ों से महरूम। मुल्क भर में सर्दी बढ़ गई। बाला इलाकों में दर्ज हरारत मनफीस कर दू। सवात का लाम आलम जब्बा में शदीद ठंड। लाहौर इस्लामाबाद रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में जाड़े की धूप। मुल्क भर में महंगाई का सिलसिला थम ना सका। गोश्त सब्जी फल सब कुछ महंगा हो गया। क्या खाएं क्या कमाएं, शहरियों की दुहाई।
इंग्लिश टीम का दौरा है पाकिस्तान। टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, शामिल अब्रार, फहीम अशरफ, इमामुल हक, नसीम शाह, सरफराज भी टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ डेब्यू करेंगे। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद नसीम के लिए कॉन्फ्रेंस।